नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास अवैध तमंचा और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। वांछित अपराधी वसीम अकरम, जो कि थाना सेक्टर 63 से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, आज सूचना थी कि इस क्षेत्र में मौजूद है, जिसको लेकर शाम से ही चेकिंग, सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग में दौरान पुलिस मुठभेड़, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है।